नमस्कार, मैं मिसेस स्मिता राठौर। आज हम सेवन स्टैंडर्ड में संस्कृत विषय में चित्रपदानी एक, जो आज हम सीखने वाले हैं, उसमें चित्रपदानी एक में जो शब्द दिए गए हैं वो सारे शब्द मस्कुलाइन यानी पुल्लिंग के शब्द हैं। और आपके पास जो पिक्चर है, वो जो चित्र है, वो चित्र आपको देखने हैं, उसके नीचे संस्कृत शब्द लिखे हुए हैं और उसके अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है वो आज हमें देखना है। सबसे पहले है जो चित्र, उसमें लिखा है आसन्नः और उसका जो अंग्रेजी शब्द है वो है चेयर। आसन्नः यानी चेयर। दूसरा शब्द है स्यूतः, उसका मतलब है स्कूल बैग। तीसरा शब्द है पत्रबारः, उसका मतलब है पेपर वेट। उसके बाद है समीकरः, समीकरः यानी आयरन। भ्रमरभाषः यानी मोबाइल फोन। उसके बाद का जो शब्द है, चित्र है, उसमें है पर्वतः यानी माउंटेन। उसके बाद जो चित्र है उसमें है पर्यकः यानी बैग। कटः कारपेट। दंड दीपः क्यूब लाइट। पादपः यानि ट्री। चषकः यानि ग्लास। कन्दुकः यानि फुटबॉल। ये है चित्रपदानी एक और आगे हम देखेंगे चित्रपदानी दो। अब हम देखेंगे चित्रपदानी दो, उसमें जो शब्द है वो फेमिनाइन यानि स्त्रीलिंग के शब्द है। उसमें पहले जो सबसे पहला चित्र है उसमें है नौका, नौका यानी बोट। दूसरा है रंद्रिका, उसका मीनिंग है पंचिंग मशीन। तीसरा जो चित्र है आप देखेंगे उसमें मापी का, मीटर स्केल। पत्र पेटी का, लेटर बॉक्स। वृक्षशाही का, स्क्वायर। अग्नि पेटी का, मैच बॉक्स। उसके बाद है सूचि का, निडल। जप माला, रोजरी। तुला, वेइंग मशीन। संवारजनी, ब्रूम। उसके बाद है योजिनी, स्टेपलर। निश्रेणी, लेडर। अब हम देखेंगे चित्रपदानी तीन। अब हम देखेंगे चित्रपदानी तीन, उसमें जो सारे शब्द है वो न्यूट्रल यानी नपुंसकलिंग के हैं। सबसे पहले जो चित्र है उसमें आप देखते हैं, इसमें है युक्तम यानी शर्ट। उपनेत्रम यानी स्पेक्टेकल्स। कंकतम यानी कॉम। अर्गलम यानी लेग। पर्णम यानी लीफ। व्यजनम, उसका मतलब है फैल। आगे देखेंगे आम्रा फलम, मैंगो। गृहम हाउस। संगणकम कंप्यूटर। द्वारम डोर। फैन कम यानी शो। वातायनम यानि विंडो। अब आपको आपकी क्लास वर्क में चित्रपदानी एक, दो और तीन में दिए गए जो संस्कृत शब्द है वो और उसके सामने उसके अंग्रेजी शब्द लिखने हैं। धन्यवाद।